अपना जी बताइए कि इस बार जो वैकेंसी आई हुई है कौन कौन सी कंपनी की वैकेंसी है और कितने कंपनियों का आपके यहाँ आया हुआ है, कब से क्या है? देखिए, ओमान, सऊदी, दुबई का बहुत अच्छी अच्छी कंपनी का आया है। हम एक महीना मुंबई थे तो हम रिक्वायरमेंट नहीं बता पाए जी, यही काम से गए थे। अभी कल से जो इंटरव्यू है जी, L&T लार्सन एंड टिब्रो का ओमान के लिए है जी। इसमें 31 तारीख को इंटरव्यू है यानी कल। इसमें ट्रेड है पाइप फिटर जी, पाइप फैब्रिकेटर, स्ट्रक्चर फिटर, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर, गैस कटर जी, ग्रेंडर कम गैस कटर, आर्क वेल्डर, मिग वेल्डर जी, FCAW वेल्डर जी। ये बहुत अच्छी कंपनी है। 5 दिन का ड्यूटी, 125, 140, 160 तक सैलरी है, खाना पीना फ्री है जी। बहुत अच्छा काम है। 31 तारीख को यानी कल इंटरव्यू चलेगा। उसके बाद इसमें अलमुनाहत कंपनी है जी, इसमें बहुत लोग अभी गया हुआ है, बहुत लोग। इसमें देखिए 1 तारीख को इंटरव्यू चलेगा जी। इसमें इंटरव्यू है जिसमें ट्रेड है मेसन, टाइल्स मेसन, ब्लॉक प्लास्टर, स्टील फिक्सर, सेटिंग कारपेंटर, वॉल पेंटर और हेल्पर जी। इसमें 1200 से 1400 सैलरी है, प्लस ओवर टाइम है, नॉर्मल मेडिकल है जी। उसके बाद 1 तारीख को ही अल-तुर्की कंपनी का रिक्वायरमेंट है ओमान का। इसमें हम लोग तो 15 साल से इसका काम करते हैं जी। इसमें 3G स्ट्रक्चर वेल्डर है, वेल्डर ऑटोमेटिक है, डीजल मैकेनिक है, मतलब गाड़ी से रिलेटेड जो भी है इसका काम है। जो भी बड़ा गाड़ी, छोटा गाड़ी जो भी बनाते हैं उसका काम है। उसके बाद ये 1 तारीख को है। उसके बाद 3 तारीख को है अलेक कंपनी, अलेक अलजाबर, सऊदी का है। इसमें है टाइल्स मेसन, ब्लॉक प्लास्टर मेसन, स्टील फिक्सर, सेटिंग कारपेंटर जी। इसमें भी सैलरी 1458 तक है, फूड है, प्लस ओवर टाइम है, 1325 है जी। उसके बाद 3 तारीख को यूनाइटेड मास्टर जो दुबई का है, इसमें प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, फ्रेशर का भी जरूरत है। इसमें 1100 से 1300 सैलरी है, प्लस खाना पीना है, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर है। उसके बाद 4 तारीख को ये डेनिम इंजीनियरिंग कत्तर का रिक्वायरमेंट है। इसमें पाइप फिटर, पाइप फैब्रिकेटर, स्ट्रक्चर फिटर, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर, इंस्ट्रूमेंट फिटर, टैंक फिटर, टैंक फैब्रिकेटर, रिगर, स्प्रे पेंटर, वेल्डर चाहिए सब प्रकार के, 6G आर कार्गन, 2G, 3G, 4G मिग वेल्डर, टर्नल मशीन ऑपरेटर चाहिए। उसके बाद मोबाइल क्रेन जो वैलिड कत्तर का लाइसेंस है, फोर क्लिप ऑपरेटर वो भी वैलिड का लाइसेंस हो जिनके पास, टेलर ड्राइवर चाहिए। और उसके बाद फैब्रिकेशन स्टील का चार्ज हैंड चाहिए, रिगर का चार्ज हैंड चाहिए, फैब्रिकेशन का हाँ, पाइप फैब्रिकेटर का चार्ज हैंड चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, नेवोस वाले। इसमें एज सीमा है 21 से 44 साल। उसके बाद ये अलमुनाहद कंपनी का मैकेनिकल है, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है। इसमें बहुत जाके लड़के खुश है। इलेक्ट्रीशियन चाहिए, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन चाहिए, फ्रेशर भी चलेगा, प्लम्बर चाहिए, असिस्टेंट प्लम्बर चाहिए, डक्टमैन चाहिए, डक्ट फिटर, डक्ट फैब्रिकेटर, असिस्टेंट डक्टमैन। इसमें से 1200 से 1600 सैलरी है। इसमें बहुत सारा ट्रेड है और बहुत अच्छी कंपनी। इसमें बहुत आदमी, हम 300 तक आदमी भेजे हैं। उसके बाद ये अल-तुर्की कंपनी का फिर 5 तारीख को है। इसमें ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ऑटोमेटिक टेक्नीशियन, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक स्पेशलिस्ट डीजल, मैकेनिक हैवी बड़ा गाड़ी और छोटा गाड़ी बनाने वाले का काम है। इसमें 5 तारीख को चलेगा। देखिए ये मेन है शोभा कंपनी का। शोभा कंपनी में जो है इसमें जो हाँ दुबई की अच्छी कंपनी है, जिसमें बच्चे लोग के पढ़ाने के लिए भी ये पैसा देती है। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे के दो बच्चे के लिए ये देते हैं। इसमें रिगर चाहिए, फ्रेशर चाहिए, रिगर फ्रेशर रिटर्नर दोनों चलेगा। ये प्लांट मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन चाहिए, ऑटो इलेक्ट्रीशियन चाहिए, पावर टूल्स टेक्नीशियन चाहिए, सीनियर मैकेनिक चाहिए, डीजल मैकेनिक चाहिए, टावर क्रेन ऑपरेटर चाहिए, असिस्टेंट मैकेनिक चाहिए, असिस्टेंट मैकेनिक फॉर मतलब जो हाँ जो गाड़ी बनाते हो, मतलब जो JCB वगैरह, ट्रेन क्रेन वगैरह बनाते हो वो चाहिए, टावर क्रेन ऑपरेटर, टावर क्रेन ऑपरेटर, इरेक्टर का टावर क्रेन ऑपरेटर चाहिए। ये सब फ्रेशर भी चलेगा टावर क्रेन, जिसमें सेफ्टी ट्रेनिंग का एक कोर्स आता है, वो होना चाहिए बच्चे लोग के लिए। बूम लोडर का लिए UAE लाइसेंस चाहिए, वैलिड हो या एक्सपायर दोनों चलेगा। JCB ऑपरेटर चाहिए, लिफ्टिंग सुपरवाइजर, टीम लीडर, स्किल स्टील लोडर चाहिए। इसमें 1500 से 1900 तक सैलरी है।
किसी का 2500 से 2700 तक सैलरी है, इसमें अच्छा सैलरी है, 2700 कितना हो जाएगा लगभग, 50,000-60,000 तक हो जाता है। उसके बाद 6 तारीख को ही एक अलतुर्की कंपनी, हाँ अलतुर्की कंपनी का है, स्ट्रक्चर फिटर और स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर। उसके बाद 7 तारीख को ये अलसफर कंपनी का रिक्वायरमेंट है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, पाइप फिटर चाहिए, पाइप फैब्रिकेटर चाहिए, डक्ट मैन, डक्ट फिटर, डक्ट फैब्रिकेटर, इंसुलेटर। इसमें 1,000 से 1,300 सैलरी है, प्लस खाना पीना फ्री है। हाँ, उसके बाद अपना 8 तारीख को ये फिर शोभा का है, जिसमें 2 बच्चे का पढ़ने का वो देता है और प्लस पत्नी को भी देता है, इसमें नीचे लिखा हुआ भी है, 1 से 12 साल तक हर आदमी को 10,000 रुपया तक मिलता है। इसमें है 8 तारीख में जो है टाइल्स मेसन चाहिए, ब्लॉक प्लास्टर मेसन चाहिए, जनरल मेसन चाहिए, कंक्रीट मेसन चाहिए, स्टील फिक्सर चाहिए, सेटरिंग कारपेंटर चाहिए, स्काफ होल्डर, हाउस कीपिंग और हेल्पर चाहिए। कितना ट्रेड है 8 तारीख, मतलब 31 तारीख से लेके 8 तारीख तक लास्ट है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, रोजगार की तलाश में हैं? देखिए, हमारे पास से तो हर महीने बहुत सारे लोग जाते हैं और जिनको मतलब ज़रूरत है और अच्छे लाइसेंस वाले ऑफिस पे आना है, क्योंकि लीगल ऑफिस नहीं है, ये लीगल ऑफिस है सिवान में एकमात्र जो लाइसेंस वाला ऑफिस है। तो यहाँ आके अपना इंटरव्यू दे लो, सुबह 9 बजे से चलता है। पहले तो ठंडा का मौसम था थोड़ा सा, अभी तो दिन भी अच्छा हो रहा है, तो आके ये लोग दे और सुविधाएं आप वो लोग को मिलेगी। एक चीज़ देखा जा रहा है मुन्ना जी, कि बहुत सारे विदेश से लोग आ करके और कुछ लोगों को भरलाने का काम करें, क्या वो लोग क्या वाकई में विदेश भेज रहे हैं या कुछ फ्रॉडिंग है, इस तरह की बात हो सकती है, इसलिए गाँव के लोग जो है समझ नहीं पाते हैं थोड़ा सा? देखिए, सब लोग को पहले चाहिए कि जिधर भी जा रहे हैं पहले लाइसेंस देखें। जी बिल्कुल, लाइसेंस होना चाहिए लीगल, क्योंकि लाइसेंस रहता है हम लोग के पास, जो भी आते हैं लाइसेंस हम लोग के सरकार के पास पैसा जमा रहता है, तो ऑथराइज पर्सन अगर रहेंगे सरकार उसको देती है, तो क्या होता है कि मतलब हम लोग का डर रहता है कि हाँ भाई मेरा पैसा सरकार के पास रह जाएगा। अन्य तो अनऑथराइज पर्सन है जो कुछ करेंगे गलत सलत करके, आप लोग देखे भी होंगे, सुने भी होंगे कि बहुत लोग करते हैं, पैसा लेके भग जाते हैं। तो उस चीज़ को देखना है कि किसका रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा है, और प्रचार में भी आता है, सब कुछ आता है कि जिसके पास GST हो, लाइसेंस हो, उसी से काम करावे। हमारे कहने का मतलब यही है, बाकी लोगों की मर्जी है, जो आप देखें वो कैसा करेंगे।